हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? स्वागत है आप सभी का करियर मेकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल सीएमए धौलपुर में। और मैं हूँ शोभित पांडे, और आज आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 6। और ये काफी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। आज अपन क्या क्या करने वाले हैं, आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। आपने अभी तक अपने जीवन में बहुत प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डेरिवेशन क्या होती है, और उसके बेस पर क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, सीबीएसई, आरबीएसई, आईआईटी, नीट, सब कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे चैनल में। आइए समझते हैं कि क्या कहानी है। मैं आपको पोटेंशियल पढ़ा चुका हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा चुका हूँ, इन दोनों चीजों को विशेष तौर पर अच्छी तरह याद रखें। अब अपन बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैं आपको कुछ इलेवंथ क्लास का याद दिलाता हूं कि सर इलेवंथ क्लास की बात मत किया करो, बहुत मतलब खून खोल उठता है हमारा। याद होगी ये वर्ड्स तो मेरे याद ही होंगे तुमको, चाहे तुमने इलेवंथ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ध्यान से सुनो कौन से वर्ड्स। अगर मैं किसी पेन को, पेन मतलब तो मैंने अपना मार्कर ले लिया, ये यहां पे रखा हुआ था जमीन पे, मैंने इस पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया और इसको उठा लिया, क्या मेरे को कुछ वर्क करना पड़ा? यस सर। कहां गया वो वर्क? तो सर वो वर्क इस पेन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पता? क्या ये पेन अपने आप हवा में ऐसे रह सकता था, इसके अंदर इतनी ताकत थी, एनर्जी थी? तो आपन का जवाब है नहीं, नहीं रह सकता। अपने आप कोई चीज हवा में नहीं रह सकती। तो इसके अंदर वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई? वो हमारे वर्क की वजह से, हमने पकड़ा हुआ है। तो हमारे अंदर की एनर्जी, इसके अंदर इस समय कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। मतलब मेरे द्वारा किया गया वर्क डन, इसके अंदर कुछ देर के लिए पोटेंशियल एनर्जी बना हुआ है। आपको सर कैसा मजाक कर रहा है, आपका वर्क इसके अंदर कहाँ आया? आप इस पेन को होल्ड करें 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 10 घंटे तक, 20 घंटे तक, आपके हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। हाथ में दर्द हो रहा है, आपको दर्द होगा, आपको लगेगा कि यार छोड़ो, आपकी एनर्जी कम फील होगी आपको। तो कहाँ गई आपकी एनर्जी? इसके अंदर है। तो आप इसको एक देर के बाद छोड़ दोगे, हालांकि इसमें ना के बराबर वजन है, पर क्या आप इसको हमेशा पकड़े रख सकते हो हवा में? नहीं रह सकते। कारण वही है कि आपके अंदर का जो वर्क है, आपके अंदर की एनर्जी, इसके अंदर जाकर पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो ये अपन ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। अच्छा, यहां पर मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, वो सुनो क्या, जिसको नहीं पता वो अभी ध्यान से सुने। अगर मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूं, काइनेटिक एनर्जी नीचे जाएगा, रुक जाएगा, धरती मैया के पास चला गया, रुक गया। अब ये बताओ, जब मैंने इसको छोड़ा तो इसका नेचुरल वर्क कौन सा था नीचे जाने वाला? उस वर्क को अपन कहते हैं कंजर्वेटिव वर्क, या कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क आया ना। अगर मैं इस पैन को छोड़ता हूं, मार्कर को, तो कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स। क्या ग्रेविटेशन फोर्स पार्ट पर डिपेंड करता है कि ऐसे आए कि सीधा जाए? नहीं, सिर्फ इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। अब बात बताओ मेरे को, अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूं तो नेचुरल वर्क कौन सा हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य, जिसको अपन कहते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अगेंस्ट में जब मैं वर्क करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना। अब बात सुनो, पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत सारी होती है आज, अब जो अपन पढ़ेंगे इन दिनों, वो कौन? मैग्नेटिक भी होती है, स्प्रिंग की भी होती है, ग्रेविटेशन की भी होती है, हर चीज की होती है पोटेंशियल एनर्जी। पर अपन अब जितने भी चैप्टर में बात करेंगे वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बात सुनो मेरी बहुत ध्यान से, कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि एक चार्ज है मेरे पास Q1, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हम कहेंगे साहब हमें नहीं पता, नॉट डिफाइंड। सिंगल पॉइंट चार्ज की कभी भी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन है फिजिक्स में। कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आपने जब पेन को उठाया जमीन पे से, तो कोई था जो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था ना, धरती मैया अपनी, वो उसको नीचे बुला रही थी, आपने उसके अगेंस्ट में उनको ऊपर ले, तो नेचुरल वर्क के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। सिंगल पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड सिस्टम में एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है, इस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहा, इसको ना कोई रिपेल कर रहा, ना इसको अट्रैक्ट कर रहा, इस पर कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई एनर्जी नहीं आने वाली। ना कोई नेचुरल वर्क हो रहा है, ना अट्रैक्शन, ना रिपल्शन। जब नेचुरल वर्क ही नहीं हो रहा है तो आप नेचुरल वर्क के अगेंस्ट वर्क कर ही नहीं सकते हो। अगर मैं कहूं कि यहां पर एक चार्ज है Q1,
और मेरे को कोई चार्ज लेकर आना है क्यू टू कुछ डिस्टेंस से यहां पर, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी? हाँ आएगी, समझो बात। अगर एक चार्ज है तो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की है ना। कैसे? देखो क्यू वन है, इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका एक पोटेंशियल होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लो, यहां तक का डिस्टेंस मान लो आर वन है इसके सेंटर से, है ना। पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज बताओ इसमें कॉन्सेप्चुअली मेरे को, कि यहां यहां से कोई डिस्टेंस मान लो इनफाइनाइट, मान लो चलो इनफाइनाइट से यहां तक लाऊंगा इसको, इसका जो पोटेंशियल है वो इसको रिपेयर करेगा ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से अवे, ये भी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्या करेगी? रिपेयर। तो इन्होंने जो वर्क किया नेचुरल वर्क, उसको मैं यहां पर कंजर्वेटिव वर्क भी बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव वर्क। वो क्या कर रहा है? इसको रिपेयर कर रहा है, इसको दूर भेज रहा है। अब अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं और डिस्प्लेस करता हूं तो क्या मैंने वर्क किया? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो मेरा वो वर्क डन इस टेस्ट चार्ज के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। किस चार्ज के अंदर? Q2 के अंदर, Q1 के अंदर नहीं, है ना। Q1 अगर सिंगल चार्ज है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। हाँ सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट एनर्जी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन है वो समझो। एक चार्ज है Q1, ये रखा हुआ है, एक चार्ज था Q2, वो उसको रिपेल कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो उसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, उसको दूर भेज रहा है। अब हम उस चार्ज को पकड़ के लेकर आते हैं, तो हमने इस चार्ज के ऊपर वर्क किया तो अपनी एनर्जी इस चार्ज के अंदर स्टोर हो गई। किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। तो कुछ समझ में आ रहा है? इसका क्या पता लगता है? पोटेंशियल। इसके अंदर क्या आती है? एनर्जी। हम वर्क किसके अंदर कर रहे हैं? जैसे मैंने पैन के ऊपर वर्क किया था, धरती माता के ऊपर वर्क किया था, जब मैं उसको नीचे से ऊपर लेकर जा रहा था, फोर्स किसने लगाया? धरती भैया ने। उस फोर्स की बात नहीं चलेगी। जो मैंने लगाया इसको नीचे से ऊपर लाने में, तो किस पर लगाया? पेन पे। तो मेरा वर्क डन इस पेन के अंदर स्टोर हुआ। मैंने यहां पर वर्क किसके अंदर किया? Q1 पे या Q2 पर? किसके ऊपर मैंने वर्क किया? मैंने वर्क किया Q2 के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर आएगी? Q2 के अंदर आएगी, ठीक है। अपन की पिछली स्टोरी में अपन के पास एक छोटा सा टेस्ट चार्ज था, छोटा टेस्ट चार्ज का नाम था कुणाल, ठीक है, कुणाल चौधरी जी, और एक सोर्स चार्ज था नवीन, है ना। तो नवीन ने क्या किया? कुणाल को रिपेल कर दिया था, मारपीट के भगा दिया था। फिर हम कुणाल को हम मिले, हमने कि भाई कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, आजा तेरे ऊपर हम वर्क करते हैं। हमने कुणाल के ऊपर वर्क किया और उसको नवीन की फील्ड में लेकर गए। एनर्जी किसके अंदर आई? किसके अंदर? किसको लगा कि यार अब तो मैं ही हूं शक्तिशाली, मैं शक्तिमान, मैं ही हूं अब? किसको लगा? जिसको लगा, यानी कि आपका वर्क उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो उम्मीद है मैं ये कंसेप्ट समझा पाया हूं कि सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फोर्स होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन विद सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जैसे कि एक सिस्टम में दो चार्जेस थे, एक ये रखा हुआ है, एक इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट से उसको मैं यहां पर लेकर आऊंगा, तो जो हमने वर्क किया वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जरा मैं रिलेशन लिखता हूं पोटेंशियल का एंड पोटेंशियल एनर्जी का, रिलेशन है ना। तो जरा देखो मेरी बात को समझना, रिलेशन लिखने जा रहा हूं पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना। ये वर्क डन हमने किया है, एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा, तो एक्सटर्नल वर्क डन इज कॉल्ड क्यू नॉट इनटू वी। ये वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट चार्ज के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अच्छा क्लास ये बताओ मेरे को कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है क्या? वेक्टर पोटेंशियल, तो आपने कहा सर लास्ट लेक्चर बताया था पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन नहीं होता। तो इस फॉर्मूले से देखा जाए तो वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या इस पोटेंशियल एनर्जी का भी डायरेक्शन होता होगा?
तो आंसर है नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी का भी डायरेक्शन नहीं होता। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया कि जीडी है? अभी मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, जूम पर एक मीटिंग करने जा रहा हूं संडे को, मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे अपन सब, क्योंकि तुम तो मेरे को देख लेते हो, मैं तुम्हारी शक्लें भूल जाऊं कुछ दिन में, है ना, वैसे ही बहुत जीवन अजीबो गरीब कट रहा है। तो मैं संडे को एक जूम मीटिंग रख रहा हूं, तो आप सभी लोग उसमें उपस्थित रहें ताकि मैं आप लोगों की शक्लें देख पाऊं कि कैसे लगते हो तुम लोग लॉकडाउन में। उम्मीद है मैं तो ठीक ठाक लग रहा हूँ, है ना। तो अपन मिलते हैं संडे को, टाइमिंग मैं बता दूंगा तुमको। क्या देखना जरा इस फॉर्मूले को उठाओ, वर्क डन एक्सटर्नल क्यू नॉट। अब पोटेंशियली पोटेंशियल किसका है, किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क किया है? यहां पर जो पोटेंशियल है वो किसका है? इसका, इसके वर्क डन के अगेंस्ट में तो वर्क किया अपन ने, तो वर्क डन अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ क्यू वन, तो एक्सटर्नल वर्क डन क्यू वन। अब इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू वन अपॉन आर वन, आर वन या आर। तो आपका एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो गया? के Q1, Q0 upon R, and this work done is stored in the form of potential energy. This work done is stored in the form of potential energy. तो एक दो दो charges के system का potential energy इतना होता है कि Q1, Q0 upon R, ठीक है? तो simple सी बात है, potential में दूसरे charge का multiply कर दिया, इसके potential में Q0 का multiply कर दोगे तो total energy आती है। तो समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पर? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इंफाइनाइट पे किसी चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो इंफाइनाइट से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो भी जीरो, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट को ध्यान से सुनो मेरी बात को। दो चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल कितना हुआ? एक चार्ज का, सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है, Q1, Q0 upon R, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये बताओ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो सब हो सकता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं जो आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी, वो सुन लो क्या है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो क्या होगा? अच्छा एक चीज और ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं ना ये विद देयर प्रॉपर साइन लिए जाते हैं, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, क्यों? क्योंकि सर ये स्केलर क्वांटिटी है। कूलम्ब फोर्स में नहीं लिए जाते थे क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लिए जाती थी क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। स्केलर होगा तो साइन के संग चार्ज लगाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई जब होगा पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ये पॉजिटिव आई, इसका मतलब या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव रहे होंगे या दोनों चार्ज नेगेटिव रहे होंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी रिपेल कर रहे हैं और नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपेल कर रहे हैं। तो अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब या तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव नेगेटिव आएगा। और जब भी ऐसा होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये मेरी बात की पॉइंट है, इसको याद रख लेना। दूसरा कॉन्सेप्ट, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये अजम्पशन है, माना है। इनफाइनाइट भी तो एक ऐसी डिस्टेंस है जिसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने जीरो मानी हुई है। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कैसा माना हुआ है? जीरो माना हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन लोगों को धीरे 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 समझ में आ जाएंगी। अब ये बताओ मेरे को, मेरी बात सुनना, है ना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। एक चार्ज है क्यू वन और यहां पर मेरे को एक चार्ज लेकर आना है क्यू टू। मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा क्योंकि ये तो इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखता हूं माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब नोट्स हैं, स्पेशल रिमार्क्स हैं, पहला दूसरा तो भी चलेगा ना। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? जो इसको रिपेल कर रहा है,
उसके अगेंस्ट में हमने वर्क किया, तो हमारे वर्क में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का आ जाएगा, तो उसी माइनस का दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, या तो ऐसे बोल दो, या ऐसे बोल दो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक ही बात है। तो जब ऐसा सिस्टम हो, एक चार्ज है, अब समराइज कर लो, एक चार्ज है क्यू1, इनफाइनाइट से दूसरे चार्ज क्यू2 को लेकर आ रहा हूं, तो क्यू1 का क्या पता पड़ेगा पोटेंशियल, उसकी क्षमता कि वो कितनी ताकत से क्यू2 को रिपेल कर रहा है, वो कितना होता है KQ/R। और हमने जब एक्सटर्नल वर्क डन किया, क्योंकि वो क्यू1 तो उसको रिपेल कर रहा था, हमने उस क्यू2 को रिपेल होने से रोका, उसको समझाया, उससे बात करी कि क्या जा रहा है, हम वर्क करेंगे तेरे ऊपर, आ मैं तुझको लेकर चलता हूं। हमने उसके ऊपर वर्क किया, वर्क किया तो हमारा वर्क डन उस टेस्ट चार्ज के अंदर एनर्जी बन गया, कर अब तो मैं लड़ लूंगा, अब Q1 हो चाहे कोई हो, अब मैं फोड़ दूंगा। तो हमारे द्वारा जो वर्क डन किया वो उस टेस्ट चार्ज के अंदर एनर्जी बना, और इसका क्या पता पड़ता है पोटेंशियल, उसके अंदर क्या आती है पोटेंशियल एनर्जी। सिंगल चार्ज रह जाएगा तो इसकी एनर्जी होगी क्या, पता नहीं लगा सकते। अच्छा एक बात बताओ, मैं अकेला खड़ा हूं मैदान में, कहूं मेरे पास बहुत एनर्जी है, कोई मान लेगा क्या? जब तक आप किसी पर वर्क नहीं करो या कोई आप पे वर्क नहीं करे, जब तक आपकी एनर्जी डिफाइन नहीं हो पाएगी ना मेरे भाई। तो बात समझो, ये अकेला अगर है तो किसने देखा और कहां है एनर्जी, पता ही नहीं पड़ पाएगी, डिफाइन नहीं हो पाएगी ना। कब पता पड़ती है? जब कोई दूसरा, अब जैसे मैं इस मुट्ठी को बांध के रखता हूं कि भाई ये बहुत तेज बंधी हुई है, कैसे पता पड़ेगा? जब तक दूसरा कोई इसको खोलेगा नहीं। वही वाली बात है, जब तक Q2 को आएगा नहीं, Q2 को रिपेल नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट में हम वर्क नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा इसका पोटेंशियल कितना है, और ना उसके अंदर एनर्जी आएगी। तो एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हो गया, इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव का पता लग गया, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव वर्क की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव की वजह से, सब पता लग गया, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो कि आप आपको पढ़नी है, ठीक है। देखो समझो बात को, अब मैं आपको एक चीज कर रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूं, ये डेरिवेशन भी और ये कंसेप्ट भी है, दोनों चीजें कंसेप्ट से सीखेंगे। यहां पे लेकर आना है, दिस इज फाइनल पोजिशन। शुरुआत में कहां है, मान लो यहां पर इनफाइनाइट पर है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 एट इनफाइनाइट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज, वही है जो अभी आपने फॉर्मूला किया था ना, KQ1 Q2 upon R वाला वही है, पर वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो और सुनो ध्यान से। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। जब मैं Q1 को इनफाइनाइट से यहां पर लेकर आया इस पॉइंट, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, सवाल है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहला सवाल का जवाब तो आप बताओगे, सर हमको वर्क डन करना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे ना अपन, यहां से अपन को यहां लेकर आना है, तो यहां पर कौन है जो रिपेल कर रहा है, आने से रोक कौन रहा है, इधर यहां तो कोई यही नहीं, खाली जगह है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई रिपेल करने वाला नहीं है, अपने आप आ जाएगा ना भाई, हाँ नहीं आया तुम्हें, क्या यहां पर कोई चार्ज है जो इस चार्ज को आने से रोक रहा है या रिपेल कर रहा है, नहीं। अगर होता तो उसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ता, अभी तो एक खाली मैदान है, खाली मैदान में तो अपने आप आएगा भाई। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ Q1 इज जीरो, और ये अपने आप आ गया बिना किसी वर्क डन के। तो फर्स्ट स्टेप में अपन लिखेंगे द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 इज जीरो। Q1 को ब्रिंग करके लाने में कितना चार्ज लगना, कितना वर्क लगना, जीरो। अब ये Q1 यहां पर आ गया और इस Q1 से R डिस्टेंस पर मेरे को अब वो दूसरा वाला चार्ज उठा के लाना है। अब ये बताओ कि R डिस्टेंस पर इस वाले चार्ज ने अपना पोटेंशियल लगाना चालू कर दिया क्या, पोटेंशियल ऑफ Q1 एट R, के Q1 अपॉन R, बताओ। अब ये जब मैं इसको लेकर आऊंगा तो क्या कोई रिपेयर करने वाला है, यस सर रिपेयर करेगा, फोर्स लगाएगा, वर्क डन करेगा, मेरे को उसके अगेंस्ट में वर्क करना है, मेरे को उसके अगेंस्ट में वर्क करना है। तो मैं जब Q2 को लेकर आऊंगा तो
तो मैं वर्क करूंगा Q नॉट इंटू वी। अब ये Q नॉट नहीं सॉरी Q2 इंटू वी। अब ये V किसका, यहां पर कौन है जिसका पोटेंशियल है, ये Q1 चार्ज। Q1 चार्ज का पोटेंशियल कितना है K Q1 upon R, तो इसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय Q2, ठीक है। तो ये वर्क डन हुआ, तो वर्क डन ऑफ Q2, Q2 K Q1 upon R, यानी कि K Q1 Q2 upon R। तो दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं, Q1 का वर्क प्लस Q2 का वर्क, तो ये जीरो प्लस K Q1 Q2 upon R, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 upon R हो गई। समझ में आया ना कि पहले का वर्क डन क्यों जीरो हुआ। इसलिए तो बोलते हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना यार, इसको यहां से यहां तक लाने में कौन सा वर्क डन करना पड़ा, कोई से नहीं, कोई रिपेयर करने वाला नहीं था, तो मैं वर्क डन क्यों करूं। चलिए उतार लीजिए। अब इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि साहब अगर दो की बजाय ये दो चार्ज का सिस्टम था, अगर तीन चार्ज होते तो क्या करना पड़ता, ये तीन चार्ज होते तो क्या करना पड़ता, ये खाली जगह अपनी हुई, ठीक है, और ये अपन के पास Q1 Q2 और एक और लेंगे अभी Q3, Q1 Q2 Q3, ये सब एट इनफाइनाइट पर है। अब Q1 को लेकर आया पहले, Q1 आज अभी Q1 को लाने में क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कारण क्या है सर, कोई रिपेल करने वाला नहीं है तो हम काहे लिए फालतू मेहनत करेंगे, ठीक है। अब Q1 यहां आ गया, अब Q1 से R1 डिस्टेंस पर Q2 लेकर आना है, क्या कोई रिपेल करने वाला है, हाँ सर अब तो है, कौन है, ये इसका भाई जो पहले कुछ नहीं कर रहा था वो ये करेगा। तो वर्क डन ऑफ Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ V1, ठीक है, Q2 into potential of V1, यानी कि Q2 K Q1 upon R1, ठीक है, यानी कि K Q1 Q2 upon R1। अच्छा, अब किसका नंबर आया, अब नंबर आया तीसरे चार्ज का। मैं तो भाई लोगों तुम मेरे पहले साथ थे, तुम दोनों वहां पहुंच गए, मैं भी आऊंगा, मुझे भी चाहिए जाए। जब ये आएगा तो ये दोनों फोर्स लगाएंगे, जब Q2 आया तो Q1 आया था, पर अब Q3 आएगा तो ये दोनों भाई इसके मौजूद हैं, ठीक है, ये दोनों क्या कहेंगे, तू जा यहां से, हमें रहने दे अकेला, तू और आएगा भी और आएगा। तो यदि Q3 आएगा, Q1 से Q3 तक की डिस्टेंस जो है उसको अपन ले रहे हैं R13, और Q2 से Q3 तक की डिस्टेंस जो है वो R23। सिंपल है ना, ये 2 है ये 3 है तो ये 23, ये 1 है ये 3 है तो ये 13। अब जब ये Q3 आया तो इसने कितना वर्क किया, देखो Q3 के लिए मैं बात करूं Q3 पर पहली बात तो पोटेंशियल लगाया वन ने, प्लस Q3 पर इसने भी लगाया, तो Q3 पर पोटेंशियल लगाया V2 ने, तो इसको जो वर्क करना पड़ा, यहां पर को करवाना पड़ा, वो दोनों के बराबर करना पड़ा। इमेजिन करो ना, दो पॉजिटिव चार्ज है, पहले एक था, अब दो पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे को जो रिपेयर करेंगे वो दोनों करेंगे, तो मेरे को जो पास में लाना है वो दोनों के अगेंस्ट में लाना है, दैट इज व्हाई मेरे को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो Q3 into इसका पोटेंशियल प्लस Q3 into इसका पोटेंशियल, अब ये दोनों भाई मिल गए भाई, अब दोनों भाई मिलके इसको ज्यादा से भगा रहे हैं। Q3 V1 का पोटेंशियल K Q1 upon R13 distance R13, ठीक है, प्लस Q3, अच्छा Q V इसका पोटेंशियल कितना है, K Q2 upon R23, सिंपल। तो टोटल मिलाकर अपना पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 upon R13 plus K Q2 Q3 upon R23। तो टोटल इस सिस्टम के अंदर तीन काम हुए, पहला तो Q1 को लाना था, दूसरा Q2 को लाना था, तीसरा Q3 को लाना था। Q1 को लाने में तो सब करना नहीं पड़ा, सबसे फायदे में तो यही था, इसको सिर्फ K Q1 Q2 upon R1 इसका रिपल्शन झेलना पड़ा, और हमारे इस वाले भाई साहब के संग तो बहुत ज्यादा जुल्म हुआ भाई, तो सब भरक देख ली रही। तो दैट इज योर आंसर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज, सिंपल है, आप अगर कॉन्सेप्चुअली समझो तो, पहले बनाने में वर्डन हुआ नहीं, दूसरे बनाने में बस इतना हुआ, तीसरे बनाने में इसके अपोजिट हुआ, इसके अपोजिट हुआ, समझ आया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ देखो उतार लेने डेरिवेशन, डेरिवेशन है बकायदा, ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ट्रायंगल ट्रायंगल वाले आ जाते हैं, देखो सिंपल है मामला, बताता हूँ तुमको, फिर चार वाला करेंगे, फिर पांच वाला करेंगे, फिर छह वाला करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी कभी नहीं भाई।
क्वेश्चन ही है इसके तो, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन। देखो एक चार्ज क्यू क्यू क्यू, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, ए और ए। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, या इसको बस कैसे लिखें, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री लिखेंगे तो भी लफड़ा हो जाएगा। चलो फिर तो बात, या हाँ चलो क्यू वन इसको क्यू टू इसको क्यू थ्री ऐसे लिखते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर वन टू, टू से लेकर थ्री तक की डिस्टेंस आर टू थ्री, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आर वन थ्री। तो सबसे पहले टोटल पोटेंशियल वैसे हो जाएगा, अगर ये तीनों पहले कारक हुए थे इन्फाइनाइट पे, ऐसे समझो पहले तीनों कारक जो थे इन्फाइनाइट, सबसे पहले क्यू वन को लेकर आए तो क्यू वन को लाने में तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, जब मैं क्यू टू को लेकर आऊंगा तो क्यू वन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस, फिर जब मैं क्यू थ्री को लेकर आऊंगा तो इसके और इसके अगेंस्ट में दोनों वर्क करना पड़ेगा, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, सॉरी वन थ्री वन थ्री वन थ्री, जब इसको लेकर आऊंगा तो इसके अगेंस्ट में इतना वर्क प्लस इसके अगेंस्ट में क्यू थ्री क्यू टू अपॉन आर टू इतना वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया, सिंपल है ना। इसमें क्वेश्चन में वैल्यू भी रखवा सकता है वो आपसे, कैसी वैल्यू, Q1 की वैल्यू दे देगा, Q2 की वैल्यू दे देगा, Q3 की वैल्यू दे देगा और डिस्टेंस के नाम पे कुछ दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखो x = 0 है यार, चलो पहले तुम्हें एक चीज करवाता हूं, चार चार्जेस के सिस्टम, चार पॉइंट चार्ज का सिस्टम देखा लाना है, स्क्वायर बनाऊंगा पहले, Q चार्ज Q चार्ज Q चार्ज Q चार्ज, डिस्टेंस आर वन टू या डिस्टेंस ए ले लो, स्क्वायर है ना डिस्टेंस ए टू, पोटेंशियल एनर्जी वन टू, जब मैं अच्छा पोटेंशियल जब पहले वाले को लेकर आया तो क्यू वन को लेकर आया तो वर्डन ही नहीं हुआ, अब जब मैं क्यू टू को लेकर आ रहा हूं तो पहले यहां पर कौन सा मौजूद है, क्यू वन मौजूद है, तो इसको ध्यान से सुनो, चलो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब Q1 को इनफाइनाइट से यहां पे लेकर आया ना, ये था ना ये था ना ये था, तो कितना वर्क करना पड़ा जीरो, जब Q2 को लेकर आऊंगा तो Q1 मौजूद है तो वर्क डन मेरे को सिर्फ Q1 के अगेंस्ट में करना पड़ेगा, वो इतना होगा। अब जब मैं Q4 भी नहीं है Q3 को लेकर आऊंगा तो इसके और इसके दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात सुनो, जब मैं Q3 को लेकर आया तो इसने रिपेल किया होगा Q2 ने, कितना किया, के Q2 Q3 अपॉन ए, इसने भी तो किया होगा, यस सर, कितना k q1 q3 अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस रूट टू है ना। अब ये q3 भी आ गया, अब जब मैं q4 को लेकर आऊंगा यहां पर q4 तो ये वर्क कर रहा होगा, अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना a, तो k q1 q4 अपॉन a प्लस ये वर्क कर रहा होगा, अरे भाई ये Q2 तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, वही रूट टू है, तो K Q2 Q4 अपॉन रूट टू है प्लस ये भाई साहब वर्क कर रहे होंगे K Q1 Q3 अपॉन आंसर, आंसर क्या है मतलब सबको जोड़ो नेटवर्क के लिए, तो टोटल वर्क हो गया K Q1 Q2 अपॉन A ये वाला प्लस K Q1 Q3 अपॉन रूट टू ए प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन ए प्लस के क्यू वन क्यू फोर अपॉन ए के क्यू टू क्यू फोर अपॉन रूट टू ए प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन ए, ठीक है। तो जैसे ये वाली टर्म्स या अपन चाहे कॉमन आ जाए तो सिंपल सिंपल कॉमन आ सकता है, पर इतने को जोड़ के कुल मिला के आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। इस वाले क्वेश्चन को और सिंपल करने के लिए मैं आपको वैसे बताता हूं कि ये वन टू हटा दो, जरा वन टू थ्री फोर सारा चार्ज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर जो है वो क्यू ही है, सिर्फ क्यू है, ठीक है। तो के क्यू वन क्यू टू हट गया, ये 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 हट गया, वो हट गया, तो के क्यू स्क्वायर वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन 2a
प्लस वन अपॉइंट ए प्लस वन अपॉइंट ए प्लस वन अपॉइंट रूट टू ए प्लस वन अपॉइंट ए, समझ में आ गया। हाँ तो इस तरीके से सॉल्व बन जाता है केक बी स्क्वायर, वन अपॉइंट ए एक दो तीन चार, तो सिक्स एक दो तीन चार फोर वन अपॉइंट ए, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस टू वन अपॉइंट रूट टू ए, ये हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर ए बाई फोर प्लस रूट टू अपॉन ए, तो के क्यूब स्क्वायर अपॉन ए फोर प्लस रूट टू जूल आंसर आया, समझ में। ये आपका जूल में आंसर आया, अब जूल में आंसर क्यों आया समझ में आ गया होगा तुमको, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो समझ आया कंसेप्ट क्या है, अगर ये चार्ज क्यू वन क्यू टू, मैंने पहले क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर लिए ताकि मैं आपको यहाँ पर समझा सकूं, बट अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि साहब डिस्टेंस ए है और क्यू चार्ज ला रहे हैं, तो फिर इसी को अपन फर्दर सॉल्व करके ये आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पे आप मॉड्यूल दे रहा हूँ आपको, मॉड्यूल बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो उस मॉड्यूल के क्वेश्चन को टालते रहना अपने आप धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। टू प्रोटॉन्स आर placed at a distance of 6 into 10 to the power minus 15 meter. कितने मीटर की distance है 6 into 10 to the power? Find the potential energy. Find the potential energy of system. बहुत basic question. दो proton हैं। पहली बात तो दो हैं तो इसलिए system में potential energy होगी। एक proton ये रहा, एक proton ये रहा. Separated by a distance of 6 into 10 to the power minus 15 meter. तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल है, दो चार्जेस हैं तो K Q1 Q2 upon R, ये था पोटेंशियल एनर्जी। K Q1 यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज E, दूसरे पर भी E और बीच का डिस्टेंस R। K है 9 into 10 to the power 9, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सॉरी प्रोटॉन पर 1.6 into 10 to the power minus 19, दूसरे प्रोटॉन पर चार्ज फिर से प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है आपका 6 into 10 to the power 15, माइनस है प्लस है माइनस, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो इसको अगर मैं 16 मान लूं तो 16 into 9 144 होता है, फिर एक के बाद डेसिमल लगा दिया मैंने, into 8 1.6 ये बचा अपॉन 6 ये वाले भाई साहब, अब पावर पावर के लिए माइनस 19 माइनस 19 10 to the power माइनस 38 10 to the power 9 और ये माइनस 15 ऊपर आएगा तो 10 टू की पावर प्लस का 15, ठीक ठाक बात समझ में आ रही है क्या। अब अपन इससे इसको काटते हैं तो 6 में जैसे 6 2 जा 12 बचेंगे 2, तो 6 4 जा 24 है ना, और डेसिमल लग गया 1.6 into 2.4 into, अब ये 15 और ये 9 24 और ये माइनस का 38, तो 10 टू की पावर माइनस का 14 बचेगा अपने पास, समझ में आ रहा है। 16 into 2.4 अपने पास सिंपल सिंपल कितना बच रहा है, 16 into 2.4 ही आया 3.8 into 10 to the power minus 14 joule, सिंपल क्वेश्चन था सिंपल आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है मिटाएं इसको जी, अब थोड़ा सा बड़े स्तर का सवाल है, बड़े स्तर का क्या है कैलकुलेटिव है, अपने पास तीन चार्ज है, अपने पास तीन चार्ज हैं और ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, माइनस का 4 कूलाम, ठीक है एक हो जाएगा प्लस का 4 कूलाम, मतलब क्यू कूलाम ये क्यू है और ये प्लस का 2 क्यू, यहां पर क्यू जो है ये सिर्फ क्यू है और जो क्यू है वो 10 टू की पावर माइनस 7 है, वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ 0.10 मीटर, 0.10 ठीक है मीटर। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं के पहले लिखवा दूं तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री, के कॉमन आ जाएगा वन और टू, ये वन ले लो ये टू ले लो,
तो क्यू वन कितना है माइनस का फोर क्यू और क्यू टू कितना है क्यू, मैंने कहा था विद साइन देना है, और डिस्टेंस 0.10 प्लस क्यू टू कितना है क्यू, क्यू थ्री कितना है अपने पास टू क्यू, इसका डिस्टेंस फिर से 0.10 प्लस ये बाहर आ चुका है क्यू वन कितना है माइनस का फोर क्यू और क्यू थ्री कितना है टू क्यू सेपरेट बाई 0.10 के माइनस का फोर क्यू स्क्वायर हो गया के माइनस का फोर क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 0.10 प्लस टू क्यू स्क्वायर 0.10 प्लस माइनस का प्लस का तो माइनस के है ना तो माइनस का 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 0.10 0.10 तो एलसीएम आ ही जाएगा ये सबका समझ रहे ना 0.10 एलसीएम आ रहा है ठीक के की वैल्यू ही लिख लो यार जो 9 × 10⁻⁹ ठीक है एलसीएम कितना आ रहा है इसका 0.10 ये कितना हो गया माइनस का 4 क्यू स्क्वायर प्लस का 2 क्यू स्क्वायर माइनस का 8 क्यू स्क्वायर क्लियर है क्लास नीचे आ जाएगा 9 × 10⁹ 0.10 अभी देखो माइनस और माइनस प्लस तो ये माइनस का 12 क्यू स्क्वायर प्लस का 2 तो माइनस का 12 प्लस का 2 तो माइनस का 10 क्यू स्क्वायर ठीक है 9 × 10⁹ 0.10 पॉइंट हटेगा दो जीरो लग जाएंगे ऊपर ठीक है और ये माइनस का 10 और ये क्यू कितना है 10⁻⁷ का स्क्वायर एक जीरो से एक जीरो कट गया 9 × 10⁹ 9 × 10 ये माइनस बाहर आ जाएगा ये वाला भी 10 हो गया और ये 10⁻⁷ × 10⁻⁷ स्क्वायर को ऐसे बोल सकते ना हम हाँ ये माइनस बाहर आ चुका है माइनस 9 अब एट 9 10 11 10 to the power 11 10 to the power minus 14 तो माइनस का 9 × 10⁻³ जूल इज योर आंसर उम्मीद है समझ में आया होगा सिर्फ कैलकुलेशन है प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे आंसर आधा चला जाएगा कोई इशू वाली बात नहीं ठीक है अच्छा अब इसमें देखो हाँ बेटा इसको जी अब अगर मैं कुछ अभी तक मैं प्लस 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 लेता था अब मैं प्लस प्लस नहीं लेता हूं अगर मैं एक आध चार्ज को माइनस भी ले लूंगा तो क्या होगा तो वही माइनस चीज घट जाती है ऐसा नहीं है कि आप रैंडम चलते रहो इसी क्वेश्चन में काम करता हूं इसी क्वेश्चन का एक वैरायटी बता रहा हूं मैं ये एक्स क्यू है ठीक है ये भी क्यू है और ये टू क्यू है जस्ट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर कितना डिस्टेंस सेपरेटेड है स्मॉल आर ये भी स्मॉल आर ये भी स्मॉल आर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो वो एक्स की वैल्यू निकालिए ये चार्ज पूरी वैल्यू नहीं है इसमें कुछ आएगा कि ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री और उसको इक्वल में जीरो कर देंगे इधर करेंगे के कॉमन आ रहा है क्यू वन कितना है एक्स क्यू क्यू टू कितना है क्यू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर प्लस क्यू टू कितना है क्यू क्यू थ्री कितना है ये कितना आया ये आया 2q ठीक है ना q3 कितना था q2 और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है r प्लस अब ये थर्ड में k तो बाहर ले चुके हैं q1 कितना है अपन का x³ कितना है x³ और q3 कितना है अपना 2q सेपरेटेड बाय अगेन अ डिस्टेंस ऑफ r क्या r कॉमन आ रहा है आर आ गया नीचे से बाहर ये कितना हो गया एक्स क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर ठीक आ जाओ k
क्या क्यू स्क्वायर कॉमन दिख रहा तुमको, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यस सर। तो क्या हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, अंदर क्या क्या सामान बचा, एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स इक्वल टू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जीरो, ये पूरा सामान इधर चला गया जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू में टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये एक्स थ्री एक्स इक्वल टू माइनस का टू एक्स इक्वल टू माइनस का टू बाई थ्री इज योर आंसर। तो एक्स यहां पर कितना होगा, एक्स यहां पर होगा माइनस टू बाई थ्री, तो ये वाला चार्ज कितना हो गया बनेगा माइनस टू बाई थ्री क्यू। तो ये था मेरी तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चार्ज के ऊपर जब अपन वर्क करते हैं किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जब मैं वर्क करता हूं, तो मेरा वर्क डन उस टेस्ट चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वैसे आप किसी इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते क्योंकि जब कोई रिपेल करने वाला नहीं है तो आप किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, कोई है ही नहीं। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिलेटेड विद अ सिस्टम ऑफ चार्ज। उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर एक ही चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइंड। हाँ, एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो अपन निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के संग करवाया, नहीं तो पहले लेक्चर बहुत बड़ा बाउंसर चला जाता है। आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ मॉड्यूल में, मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप करो और मैं अगले वीडियो में उन्हीं मॉड्यूल में से कुछ बड़े और अच्छे या कुछ पिछले साल में कंपटीशन में ज्यादा बड़े लेवल के नहीं आते इसमें से, पर फिर भी जो मैक्सिमम लेवल है वो मैं आपको करवाता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स और एक छोटा सा टॉपिक और है वो, और ये छोटा सा टॉपिक आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो फटाफट करिए ताकि खत्म करें इस चैप्टर को और कैपेसिटर्स पर चलें। थैंक यू सो मच, मैं हूँ शोभित पांडे, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।